बहुत ही शानदार चिकन रेसिपी बनाने जा रहे हैं, चिकन कोल्हापुरी। इसके अंदर जो फ्रेगनेंस उठेगी, इसका जो एरोमा है वो देखने लायक है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे मैरिनेशन करना पड़ेगा। मैंने ये 1 किलो चिकन लिया है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का चिकन है ये। इसको 3-4 बार धो लिया हमने। इसको मैरिनेट करने के लिए हम देखिए आप क्या क्या डाल रहे हैं। ये 2 चम्मच टेबल स्पून हमारे पास नींबू का रस है, ये हल्दी है, ब्लड प्यूरीफायर बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है ये स्पाइसेस के अंदर, नमक आप टेस्ट के अनुसार लें, हमने 1 टेबल स्पून लिया है, 1 से 1.25 टेबल स्पून है, आप लोग अपने हिसाब से लें। ये मिर्ची है, इसे भी आप लोग अपने हिसाब से लें, ये 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा हमारे पास ये गार्लिक है, क्रश की हुई गार्लिक है, इसके अंदर हमने जिंजर का उपयोग नहीं कराया, ये इस रेसिपी में सिर्फ गार्लिक का उपयोग किया जाता है, आप देख रहे हैं। जब ये बनता है तो इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। और इन चीज़ों को मिला के हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन के बाद इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हल्दी जो मैंने इसमें डाली है वो 1/2 टेबल स्पून है, टीस्पून। और ये कर्ड जो है मेरे पास ये लगभग 60 ग्राम है और ये फ्रेश है, खट्टे दही का प्रयोग नहीं करें। अब इसे साफ हाथों से हाथ धो के बढ़िया मैरिनेट कर लें आप इसे और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। कोल्हापुरी चिकन के लिए सबसे पहले हमने चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, उसके बाद हम बनाएंगे इसका मसाला, प्रिपरेशन ऑफ मसाला। उसके लिए हमारे पास ये 4 टेबल स्पून तेल है, इसमें से हम ये 2 टेबल स्पून का प्रयोग कर रहे हैं, अभी 2 टेबल स्पून का पाक करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने सिम पे कर दिया है गैस को। अब आप देखिए इसके अंदर हमने 1 पत्ता तेजपान कर लिया है, ये हमारे सिम स्टिक 2 हैं 1-1 इंची। इसके अलावा ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, ये हमारे पास 5 लौंग हैं, इन्हें हल्के से एक मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमारे जो ये 4 प्याज हैं मीडियम साइज के, इन्हें डालेंगे, बहुत आहिस्ता से डालें आप। अब इन्हें बढ़िया गुलाबी करने, पाँच छः मिनट हो चुके हैं, हमारे प्याज जो हैं हल्के गुलाबी हो गए हैं। आप देखिए कि इस रेसिपी की सबसे बड़ी तारीफ है कि इसमें बिल्कुल कम तेल का प्रयोग किया गया है, बहुत हेल्दी रेसिपी भी है साथ में ये। और अभी तो सिर्फ ये मसाला तैयार हो रहा है, अब इसके अंदर हमारे पास जो ये 3 प्याज को हमने काट लिया था, ये डाल रहे हैं। ये हमारे जो टमाटर हैं इन्हें हम बढ़िया सोते कर लेंगे प्याज के साथ। कोल्हापुरी की विशेषता है कि इसके अंदर ये जितने भी मसाला है इसको बढ़िया ब्लेंडिंग की जाती है, यानी इसको मिक्सी में हम पेस्ट बना लेंगे और फिर मेन जो हमारी डिश बनेगी उसके अंदर इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही हमारे पास ये जो 1.5 टेबल स्पून ग्रेटेड खोपरा पड़ा हुआ है,
ये कोल्हापुरी की विशेषता है, इसे भी हम डाल रहे हैं। ज़्यादा नहीं डालें, सिर्फ 1.5 टेबल स्पून का प्रयोग करें। अब इसे अच्छा पकाने के लिए हम ये आधा कटोरी पानी डाल देते हैं। गैस को हाई फ्लेम पे कर दिया हमने। आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज और टमाटर जो हैं बढ़िया भुन गए हैं। अब हम जो है गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको अच्छी ब्लेंडिंग करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा जो प्याज और टमाटर है उसको हमने ब्लेंडिंग कर रहे हैं ठंडा होने के बाद। जब तक ये 2 टेबल स्पून हमारे पास तेल है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो चिकन है ये मैरिनेट करा हुआ पड़ा हुआ है। इसे हम डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद इसको 20 मिनट के लिए सिम पे छोड़ देंगे। मैं बताता हूँ आपको। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमारा चिकन है मैरिनेटेड, इसे भी 1 घंटा हो चुका है। ये हमारा मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। हमने पानी का प्रयोग इसमें नहीं कर रहे हैं, हल्का सा पानी डाला है मैंने, आधा से कम कप, क्योंकि चिकन अपना पानी कुछ छोड़ेगा और उसी के अंदर ही बढ़िया पकेगा। अब इसे हम सिम के ऊपर 30 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। ये बढ़िया सोते कर दिया है मैंने। चिकन के पीसेस देख रहे हैं आप कितने बढ़िया हैं, साफ धुला हुआ है। इस प्रकार से इसे ढक के लगभग 20 मिनट के लिए रखते हैं। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे चिकन ने पानी छोड़ दिया है। इसी चिकन के पानी में हमारा चिकन जो है गल रहा है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अभी हमने जो ब्लेंडिंग की मसालों की वो तो डाले नहीं है, अब डालेंगे इसमें। अब हम गैस को तेज कर देते हैं। हमने जो ये ब्लेंडिंग किया था टमाटर प्याज का स्पाइसेस का, इसे भी इसमें मिला रहे हैं और इसे अच्छा बढ़िया मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर सिम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और हमारा चिकन कोल्हापुरी तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को अच्छा बढ़िया मिक्स कर लेंगे हम इसमें हमारे चिकन में। हमारा मसाला जो है आपने ऑलरेडी देखा कि ये हमने प्रिपेयर किया था, तैयार किया था, भून लिया था और उसके बाद उसको ब्लेंड किया है। चिकन को ऑलरेडी हम 20-25 मिनट रख चुके हैं सिम पर। ये हमारा जो कोल्हापुरी चिकन है ये लगभग बनकर तैयार है।
आप कलर देख रहे हैं, बहुत ही शानदार कलर आया हुआ है। और जैसे ही ठंडा होगा तो इसके हमारा जो तेल है ऊपर आ जाएगा और कलर भी ऊपर आ जाएगा। अब इसे 10 मिनट के लिए हम सिंक पे ढक रहे हैं। दस मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन सिम पर है। आप देख रहे हैं कि कोल्हापुरी चिकन बनकर तैयार है, बहुत ही शानदार बन चुका है ये, बहुत बढ़िया बना है। और हमारा जो तेल है आप देख रहे हैं कि फ्लोट करने लग गया है। और हम इसे जैसे ही ठंडा करेंगे तो पूरी जो तरी है वो ऊपर आ जाएगी। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ, साथ ही इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रहा हूँ। इसका जो स्पाइसेस का अरोमा और ब्लेंडिंग, यही महत्वपूर्ण है इस चिकन में।